वहीं कोलकाता केस से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट बता दें आपको, संदीप घोष और संजय रॉय समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। पॉलीग्राफ टेस्ट में संदीप घोष से सीबीआई पूछ रही है 25 सवाल। न्यूज नेशन के पास पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई के सवालों की लिस्ट है। क्या आपको पता है कि पीड़िता का रेप किसने किया? वारदात वाले दिन पीड़िता को देखा था या उससे मुलाकात हुई थी? ये सारे ऐसे सवाल हैं, हमारे सहयोगी रुमानुल्ला खान ज्यादा जानकारी हमें देंगे। रुमान, देखिए बिल्कुल, संदीप घोष का पॉलीग्राफिक टेस्ट चल रहा है और लंबा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले 100 घंटे की पूछताछ में संदीप घोष ने जो कुछ बताया था उसे सीबीआई संतुष्ट नहीं थी, लिहाजा पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जा रहा है ताकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीबीआई के गले नहीं उतर रही थी उसको क्लियर किया जा सके। लेकिन संदीप घोष से जो पूछताछ हुई है उसमें उनके जवाबों के बाद कई और सवाल खड़े हुए जो सवाल उनसे किए जा रहे हैं, लिहाजा संदीप घोष की परेशानी इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है सीबीआई सूत्रों का कहना लंबा चल रहा है। कई ऐसी जानकारियां हैं जो संदीप घोष अब तक वर्गला रहे थे लेकिन कुछ चीज़ों पर क्लैरिटी सीबीआई को मिली है जिससे आने वाली जांच को एक नई दिशा ज़रूर मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ संदीप घोष की परेशानियां इसलिए भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि करप्शन के मामले में जो एसआईटी जांच कर रही थी वो सभी दस्तावेज हाईकोर्ट के ऑर्डर पर सीबीआई को सौंप दिए गए हैं और अब सीबीआई संदीप घोष के खिलाफ करप्शन का भी मुकदमा दर्ज करेगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में संदीप घोष ने जो तमाम उनके ऊपर आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के, लाशों का सौदा करना हो या दवाइयों की खरीद फरोख्त में अनियमितता या फिर रिसाइकल मैनेजमेंट में घोटाला, ये तमाम ऐसे मामले हैं जिनकी जांच अब सीबीआई करेगी। तो संदीप घोष का बचना अब करीब करीब नामुमकिन होता जा रहा है। लेकिन ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में संदीप घोष की क्या भूमिका है, क्या उन्होंने सब कुछ किया था, ये अभी पॉलीग्राफिक टेस्ट के बाद काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि सबूतों से छेड़छाड़ करने या क्राइम सीन को प्रिजर्व ना करने के पीछे गहरी साजिश थी और इसी का खुलासा करने के लिए डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जा रहा है। जी धन्यवाद आपका रुमान, इस पर आप बने रहिएगा क्योंकि सारी जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। तो फिलहाल अभी तमाम जो महत्वपूर्ण सवाल हैं सीबीआई वो पूछ रही है क्योंकि सीबीआई इससे पहले की पूछताछ में संतुष्ट नहीं थी। वहीं कोलकाता केस से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट बता दें आपको, संदीप घोष और संजय रॉय समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। पॉलीग्राफ टेस्ट में संदीप घोष से सीबीआई पूछ रही है 25 सवाल। न्यूज नेशन के पास पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई के सवालों की लिस्ट है। क्या आपको पता है कि पीड़िता का रेप किसने किया? वारदात वाले दिन पीड़िता को देखा था या उससे मुलाकात हुई थी? ये सारे ऐसे सवाल हैं, हमारे सहयोगी रुमानुल्ला खान ज्यादा जानकारी हमें देंगे। रुमान, देखिए बिल्कुल, संदीप घोष का पॉलीग्राफिक टेस्ट चल रहा है और लंबा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले 100 घंटे की पूछताछ में संदीप घोष ने जो कुछ बताया था उसे सीबीआई संतुष्ट नहीं थी, लिहाजा पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जा रहा है ताकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीबीआई के गले नहीं उतर रही थी उसको क्लियर किया जा सके। लेकिन संदीप घोष से जो पूछताछ हुई है उसमें उनके जवाबों के बाद कई और सवाल खड़े हुए जो सवाल उनसे किए जा रहे हैं, लिहाजा संदीप घोष की परेशानी इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है सीबीआई सूत्रों का कहना लंबा चल रहा है। कई ऐसी जानकारियां हैं जो संदीप घोष अब तक वर्गला रहे थे लेकिन कुछ चीज़ों पर क्लैरिटी सीबीआई को मिली है जिससे आने वाली जांच को एक नई दिशा ज़रूर मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ संदीप घोष की परेशानियां इसलिए भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि करप्शन के मामले में जो एसआईटी जांच कर रही थी वो सभी दस्तावेज हाईकोर्ट के ऑर्डर पर सीबीआई को सौंप दिए गए हैं और अब सीबीआई संदीप घोष के खिलाफ करप्शन का भी मुकदमा दर्ज करेगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में संदीप घोष ने जो तमाम उनके ऊपर आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के, लाशों का सौदा करना हो या दवाइयों की खरीद फरोख्त में अनियमितता या फिर रिसाइकल मैनेजमेंट में घोटाला, ये तमाम ऐसे मामले हैं जिनकी जांच अब सीबीआई करेगी। तो संदीप घोष का बचना अब करीब करीब नामुमकिन होता जा रहा है। लेकिन ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में संदीप घोष की क्या भूमिका है, क्या उन्होंने सब कुछ किया था, ये अभी पॉलीग्राफिक टेस्ट के बाद काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि सबूतों से छेड़छाड़ करने या क्राइम सीन को प्रिजर्व ना करने के पीछे गहरी साजिश थी और इसी का खुलासा करने के लिए डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जा रहा है। जी धन्यवाद आपका रुमान, इस पर आप बने रहिएगा क्योंकि सारी जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। तो फिलहाल अभी तमाम जो महत्वपूर्ण सवाल हैं सीबीआई वो पूछ रही है क्योंकि सीबीआई इससे पहले की पूछताछ में संतुष्ट नहीं थी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।